घनश्याम, अब गुस्सा हो गए? क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं जोधा बेगम? माफी मत मांगिए, बल्कि हंसिए हम पर। अच्छी तरह से जानते हैं आप कि हम गाना नहीं गा सकते, उसके बावजूद आपने ये अटपटी मांग हमारे सामने रख दी। अब जब हम कोशिश कर रहे हैं गाना गाने की, तो आप हम पर हंस रही हैं। अच्छा, हम मानते हैं कि हम परिहास कर रहे थे, अब सच कहें, सच में आप बहुत अच्छा गा रहे थे, और उससे बड़ी बात है कि आप प्रयास कर रहे थे पूरी श्रद्धा, लगन और निश्चल भाव से। और हमें विश्वास है जश्न में आपका गाना सुनकर सब लोगों की आंखें सच में फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन आवाज क्यों नहीं थी? तो कई बार आप भी तो हमें छेड़ते हैं। जानते हैं शहंशाह, जब आप रूठ जाते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, और जब थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। हमें भी मानना होगा कि बड़ी ही अटपटी मांग रखी है आपने हमारे सामने, लेकिन अब जब हमारी घराड़ी सा की मांग है तो हमें तो पूरी करनी होगी। वैसे हंसते हंसते बिरबल जी ने बहुत सच बात कही है, शौहर को बेगमों से बस एक ही उम्मीद रहती है, विश्वास और प्यार की। बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। अगर ऐसी बात होती तो हम हमारी हर बेगम से मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर हम मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं तो आपसे। जानते हैं आज हमारे बेटे ने क्या किया? जिस तरह आप मुस्कुराते हुए आ रही हैं, जाहिर सी बात है कोई अच्छा काम किया हो। और फिर आप फौरन अपना बेटा कहती हैं, जब वो कोई नेकी करते हैं तो बताइए क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं, यदि बेटा कुछ अच्छा काम करे तो माँ को तो गर्व होगा ही, और ये जानकर आप भी बहुत प्रसन्न होंगे, सलीम ने शैतानपुर की रकासा को जश्न में प्रस्तुति देने का निर्णय लिया है। लेकिन जोधा बेगम, हमारे ख्याल से रकासाओं को बुलाना गलत है। आप भी रुकैया बेगम जैसे बात कर रहे हैं? हमें तो लगता है सलीम का निर्णय बिल्कुल उचित है। आप शहंशाह हैं, पूरी प्रजा आपके लिए एक समान है, और जब सब बराबर है तो फिर रकासाओं को अपनी प्रसन्नता दर्शाने का अधिकार क्यों नहीं शहंशाह? क्या आप सलीम के इस निर्णय से प्रसन्न नहीं है? अगर आप खुश हैं, शेखू खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। या खुदा, मिर्जा हाकिम को अकल अता फरमा। उम्मीद है हमारे फरमान से वो समझ जाएंगे कि बड़ी मिजान बेगम महाशूचक साहिबा की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। सोच में डूबे हुए हैं शहंशाह, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हमारी शर्त आप पूरी कर पाएंगे या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने तो अपनी तैयारियां कर ली हैं। जो हम आपकी तैयारियों का क्या? तैयारियां? हमें किस बात की तैयारियां करनी है? कि हमारी सालगिरह पर आप हमें कोई तोहफा नहीं देंगे, जैसे हमारा निकाह हुआ है आपसे, आपका निकाह नहीं हुआ हमसे। जहाँ तक हम समझते हैं, हमारी बेगम होने के नाते आपका भी हक बनता है हमें तोहफा देने का। क्या सोच रहे हैं जोधा बेगम, किन ख्यालों में खो गई हैं? बताएं क्या तोहफा देंगे आप? हाँ, देंगे ना, अवश्य देंगे। हम सोच रहे थे कि अभी से यदि हमने आपको बता दिया तो आपकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी, इसलिए जब हम आपको भेंट देंगे तब आप देख लेना।
तो आपके तोहफे का बेसब्री से इंतजार रहेगा जोधा बेगम, क्योंकि आप हमेशा बेमिसाल तोहफा देती हैं। देखना चाहते हैं कि इस बार क्या तोहफा देंगी आप हमें। क्या देव, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ खो गए आप? अरे हाँ, हम तो आपको बताने ही भूल गए। आमिर से भगवान दास भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ निकल चुके हैं। कल तक आ जाएंगे वो यहाँ पर। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल, मान भाई भी आ रही है, बहुत सारा प्रबंध करना है हमें। अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपके प्रवेश के समय मान भाई का चेहरा देखा था? स्वागत के दौरान सलीम को देखते से ही उनके गाल शर्म से लाल हो गए थे। जानते हैं, वो चाहती हैं कि जश्न में ठीक सलीम के पास बैठे। आनंद तो तब आएगा जब हम विवाह की घोषणा कर देंगे। सलीम कितने प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? बेशक, आखिरकार उनकी मासा ने उनके लिए इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन शरीक हाथ जो चुनी है। लेकिन ये बात बहुत गलत है, सालगिरह हमारी है, तोहफा हमें मिलना चाहिए और तोहफा मिल रहा है शेखों को। शहंशाह आप भी ना। अच्छा सुनिए, हमने मान भाई के लिए विशेष वस्त्र तैयार करवाने को कह दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं जब सलीम मान भाई को देखे तो बस देखते ही रह जाए। हमें आज भी याद है हमारी शादी की वो सालगिरह शहंशाह। एक दिन वो था जब हम आमेर से आगरा आए थे, मन में आपके लिए नफरत लिए हुए। और एक दिन आज का था जब मन में सिर्फ आप थे और हृदय में सिर्फ आपका प्यार। सच कहा जोधा बेगम, हमारा रिश्ता शुरुआत में एक जिद था जो बाद में जिम्मेदारी में बदला और फिर हमारी जिंदगी बन गया। इतने साल बाद भी हर रोज हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। विवाह के वर्षगांठ की बहुत सारी बधाई हो शहंशाह। ये मुकद्दस दिन आपको भी मुबारक जोधा बेगम। अब क्या ये है हमारा तोहफा? नहीं नहीं, ये तो खीर है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा करना बहुत आवश्यक होता है ना। लेकिन ये क्या, इसमें तो सब प्यालों में खीर है। वो इसलिए क्योंकि इन सारी खीर में से एक खीर हमारे हाथ की बनी हुई है, तो आपको चख कर बताना है कि हमने कौन सी खीर बनाई है। आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम, हमारी शादी की सालगिरह की शुरुआत आप हमारे इम्तिहान से करना चाहती हैं। ऐसा ही समझ लीजिए, हमें ये इम्तिहान कबूल है। हमने कौन सी खीर बनाई है? ये वाली। कैसे पहचान लेते हैं आप शहंशाह? जब आपके हाथ से आपको पहचान लेते हैं, आपकी नजरों से आपके मिजाज को जान लेते हैं, तो आपके हाथों से मिली खीर में मोहब्बत को नहीं पहचान पाएंगे। आशा करते हैं कि सलीम और मान भाई का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही रहे। जरूर होगा, आखिरकार शेखो बाबा में हमारी मोहब्बत जो मिली है। अच्छा शहंशाह, हमें ये बताइए, जो भेंट आप हमें जश्न में देने वाले थे उसकी तैयारियां कर ली? हम तो तैयार हैं, लेकिन आप बताएं हमारा तोहफा कहाँ है। जब आप हमें जश्न में भेंट देंगे तो हम भी अपना भेंट आपको जश्न में ही देंगे। शादी की सालगिरह मुबारक हो जोधा बेगम। आपको भी। कैसे हम जोधा बेगम? शहंशाह आप यहाँ क्यों आए? हमें बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? जो है कि हम आपसे रुखसत लेने आए। रुखसत? अचानक आपको कहाँ जाना है? जो तो बेगम, एक जरूरी सियासी मसला आ गया है जिसे संभालने के लिए हमें जाना होगा। हो सकता है हमें कुछ वक्त लग जाए, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमने राजा भगवान दास जी से बात कर ली है कि जब तक हम लौटे नहीं वो इस मंगनी को तब तक रुकवा दे। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता? यकीन मानिए, हमारा अगर और कोई जा सकता तो हम जरूर उसे भेज देते, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। इजाजत चाहेंगे? रुकिए शहंशाह, पहले हम आपकी आरती उतार दें।
क्योंकि हमें मिर्जा हाकिम को सजा नहीं देनी है, समझाना है, लेकिन आपको भी बता नहीं सकते। इजाजत लेते हैं। ये भी ठीक ही हुआ कि कुछ दिन के लिए वाग्दान रुक गया। तब तक हम भी पता कर लेंगे कि सलीम के मन में चल क्या रहा है।